दोस्तों जब भी हम अपने किसी दोस्त को या कहीं जाते हैं तो किसी को कमांड पे काम करते हुए देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है, अंदर से बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ऐसे ही कई कमांड लेकर आए हैं और जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगता है तभी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, चलिए चलते अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कमांड के माध्यम से बिटलॉकर को कैसे लॉक करेंगे और कैसे अनलॉक करेंगे। हम डॉस कमांड के माध्यम से बिटलॉकर को कैसे लॉक करेंगे और अनलॉक करेंगे। इससे पहले भी हम बिटलॉकर क्या होता है, बिटलॉकर से क्या फायदे हैं, बिटलॉकर को कैसे लॉक करते हैं, कैसे अनलॉक करते हैं, इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। दोस्तों अब आई बटन पर जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमने ये बताया कि बिटलॉकर को कैसे कमांड के द्वारा लॉक और अनलॉक करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले बिटलॉकर किस ड्राइव में लगा हुआ है। ये हमारा डी ड्राइव में बिटलॉकर लगा हुआ है। इससे पहले बिटलॉकर को लगाने और हटाने के लिए, लगाने के बाद हम जब सिस्टम को रिस्टार्ट करते थे तब जाकर के हमारे बिटलॉकर पे नहीं तो नहीं लगता था। एक और चीज बता दूं, यह कमांड जो मैं बता रहा हूँ यह केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेटर मोड पे काम करेगा। आपका यूजर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होना चाहिए। वो भी दिखाता हूँ कैसे चेक करेंगे। स्टार्ट बटन पर जाएंगे और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर शो कर रहा है तो केवल एडमिनिस्ट्रेटर पर ही यह काम करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम कमांड को ओपन कर लेते हैं और कमांड को ओपन करने के बाद अब हम कमांड को चलाते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि हमारा जो बिटलॉकर है लॉक है और सबसे पहले हम इसको अनलॉक करते हैं। इसके लिए हम कमांड चलाएंगे -bde स्पेस जी ड्राइव में लगा हुआ है कॉलन उसके बाद अनलॉक स्पेस -pw एंटर प्रेस करेंगे तो जो भी बिटलॉकर में पासवर्ड लगाए होंगे वहां पे ये पासवर्ड पूछ रहा है तो मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूं और एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद लिख के आ जाएगा द पासवर्ड सक्सेसफुली अनलॉक्ड वॉल्यूम डी। अब आप चल के ओपन करेंगे तो देखिए आपका पासवर्ड यहाँ से हट। दोस्तों अब बात आती है कि अब इसमें फिर ताला हट गया है, अब हम फिर से इसको लॉक करते हैं। अब लॉक करने के लिए कौन सा कमांड यूज करना होगा, तो इसके लिए मैनेज -bde स्पेस जिस ड्राइव में है कॉलन फिर उसके बाद स्पेस -lock और इंटर प्रेस करेंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे उसके बाद थोड़ा टाइम लेगा। अब यहाँ पे देखिए लिख क्या रहा है, वॉल्यूम डी इज नाउ लॉक्ड। आप चल के देख भी सकते हैं कि आपका ये लॉक हो गया है। अब दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले आइकन पर दबाएं, इसके बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि कमांड के द्वारा हम कैसे स्क्रीन सेवर को सेट कर सकते हैं और स्क्रीन सेवर क्या होता है इसके ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं, आप आई बटन पर जाकर के देख सकते हैं। पढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ कि कमांड के द्वारा कैसे हम स्क्रीन सेवर लगाएंगे। तो फिर से हम कमांड को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे कमांड जो है चलाएंगे, रिबन्स मान लीजिए लगाना है। ribbons.scr space और /6555 यही कोड है और जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे अब आप देख रहे हैं कि हमारा सिस्टम पे स्क्रीन सेवर लग गया है। कोई दूसरा कमांड चला के देखते हैं। अब बबल्स लगाते हैं तो bubbles.scr फिर स्पेस और /6555 आप देख रहे हैं कि बबल्स भी लग गया है। पॉइंट है कि हम लोग को बड़ी समस्याएं होती हैं जब भी पासवर्ड लगाना होता है तो पासवर्ड कैसा चूज करें और क्या चूज करें, इसलिए हम आपको एक ऐसा कमांड बताएंगे जिससे आप अपने पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं जो ऑटोमेटेड होगा। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है कि आप अपने यूजर पे कैसे रैंडम पासवर्ड क्रिएट करते हैं। आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर यूजर का होना जरूरी है। स्टार्ट पे जाएंगे और यहाँ पे दिख रहा है स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटर। तो चलिए दोस्तों फिर से हम कमांड को ओपन करते हैं। हालांकि मैं बात बताना चाहूंगा इस चीज का प्रयोग बहुत ही इमरजेंसी मोड में करें और जब भी पासवर्ड लगाएं तो उसको नोट करके रख लें, अदरवाइज आप अपने पासवर्ड को भूल सकते हैं। और यह केवल एजुकेशन पर्पज के लिए बताया गया है, इसका अन्यथा मतलब न निकालें। तो चलिए दोस्त नेट स्पेस यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर से जैसा मैंने बताया उसके बाद /random इंटर मारेंगे तो वहाँ पे लिख के आ रहा है द पासवर्ड कंप्लीटेड सक्सेसफुली और आपका जो पासवर्ड है वो इतना है। इसको कहीं ना कहीं नोट कर लें
और लॉग आउट करके लॉगिन करके चेक करें कहीं ये काम कर रहा है कि नहीं। इन तीनों कमांड में से सबसे अच्छा कौन सा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।